Good morning to all my dear students of class 5. Today I am here to explain you all the chapter number 11 of the subject social studies. In today's class I am going to teach you about the subject social studies. Chapter number 11, the name of the chapter is Living Longer and Healthier Lives. First of all, you all have to write today's date here. इस चैप्टर में क्या दिया है? जिंदगी को ज़्यादा जीना और हेल्दी तरीके से जीना, बिना बीमार पड़े स्वस्थ रह के जीना. Early man thought that diseases were a punishment from God. पहले के लोग ये सोचते थे कि जो बीमारियां लगती थी वो एक तरीके से भगवान की तरफ से उनको सजा दी जाती थी. But today we are no longer vulnerable to diseases. We have vaccines to prevent them and medicines to treat them and cure them. लेकिन अब के टाइम पे जितनी भी diseases हैं, जो बीमारियां हमको लगती हैं, हमारे पास उसके लिए medicines होती हैं ताकि हम उन बीमारियों से उभर सकें, उनको ठीक कर सकें. From early times, man has made observations and experiments to understand the functioning of human body and unfolded secrets. This led him to understand the medical science. He developed medicines and vaccines and various medical equipment and machines that would help him detect and fight diseases. In this chapter, we will read about the important developments and inventions in the field of medicine. ये कह रहा है कि बहुत पहले के समय से ही लोगों ने इस चीज को सर्च करना, रीड करना शुरू कर दिया था कि ह्यूमन बॉडी में जो बीमारियां होती हैं वो कैसे होती हैं, क्या कारण होते हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे मेडिसिन्स का आविष्कार हुआ, मशीन्स का आविष्कार हुआ. इस चैप्टर में हम कुछ इसी तरीके की मशीन्स, इक्विपमेंट्स, वैक्सीन्स और मेडिसिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स. फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स. क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर्स द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. थर्मोमीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं. अगर हमको बॉडी गर्म लगती है, लगता है कि फीवर चल रहा है तो. द फर्स्ट मॉडर्न थर्मोमीटर द मर्करी थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाई डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट इन 1714. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. डिग्री का साइन ये होता है और डिग्री फारेनहाइट. द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन द माउथ और अंडर द आर्मपिट ऑफ द पेशेंट. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो पहला मर्करी थर्मोमीटर था. मर्करी क्या होता है? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, अब तो मशीनरी आ गया है, अलार्म बजने लगता है, डायरेक्ट लिख के आ जाता है. एक कांच का थर्मामीटर आता है जो आप अगर अपनी जीभ के नीचे लगाते हैं या अगर अपने अंडर आर्म्स के नीचे लगाते हैं तो आप देखते हैं उसके अंदर एक मर्करी होती है, वो वहां जाके रुक जाती है जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है. इसको आविष्कार डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था सन 1714 में. ठीक है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर या तो हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं या डिग्री फारेनहाइट में. 98.4 डिग्री फारेनहाइट ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है. आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर जब भी नापेंगे 98 समथिंग ही आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है. अगर फीवर है तो वो 99, 100, 101 ऐसे आएगा. इफ द रीडिंग इज हायर द पर्सन इज सेट टू बी सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड इज ट्रीटेड अकॉर्डिंगली. ये मैंने आपको समझाया, अगर 98.4 से ज्यादा होता है, 99, 100 इस तरीके से, तो ये समझ लीजिए कि उस इंसान को फीवर है. नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप. A stethoscope tells us about the functionings of the heart and the lungs. Let us read the story behind its invention. Stethoscope क्या होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि डॉक्टर अपने कान में लगाते हैं और उसके बाद उसको अटैच करते हैं आपके हार्ट से और आपकी हार्ट बीट, पल्स वगैरह वो सुनते हैं. ठीक है, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप. ठीक है, डॉक्टर का आला जिसे कई लोग बोलते हैं. डॉक्टर रेने लेनियाक वंस नोटिस्ड टू चिल्ड्रेन सिटिंग एट टू एंड्स ऑफ अ लार्ज होलो लॉग ऑफ वुड. दे वर विस्परिंग थ्रू इट. दे कुड हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड थ्रू द लॉग. द डॉक्टर वॉज अमेज्ड एट दिस. बैक इन हिज क्लिनिक रेने ट्राइड एन एक्सपेरिमेंट. ही रोल्ड अप अ न्यूज पेपर एंड प्लेस्ड वन एंड एट अ पेशेंट्स चेस्ट एंड द अदर एंड टू हिज ईयर.
To his amazement, he could hear the heartbeat of the patient. This experiment led to the invention of the stethoscope. Nowadays, every doctor uses a stethoscope. स्टेथोस्कोप का आविष्कार कैसे हुआ था? डॉक्टर रेने लेनियाक जो ये बने हुए हैं, इन्होंने एक बार दो बच्चों को लकड़ी का वुड टाइप का एक जिसे कहते हैं ना वुड लॉग देखा, लकड़ी का एक पीस देखा, बांस के तरीके वो देख रहे थे कि दो बच्चे आपस में कुछ बोल रहे हैं, एक ने कान में कुछ लगाया, कान में लगाया हुआ लकड़ी का एक तरफ का हिस्सा, दूसरा वहां से बोल रहा है, ठीक है, उस बांस के हिस्से से, तो वो देख रहे हैं कि एक दूसरे को सब कुछ सुनाई दे रहा है। तो उन्होंने अपने क्लिनिक में जाके ये आविष्कार किया, न्यूज़पेपर को फोल्ड किया और उसका एक साइड पेशेंट के चेस्ट पे लगाया और एक साइड अपने कान में, और उनके सरप्राइज से उसकी हार्ट बीट उनको पूरी तरीके से सुनाई दी, और इस तरीके से स्टेथोस्कोप का आविष्कार हुआ। आज के टाइम पे हर डॉक्टर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप, अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट एनेबल्स अस टू सी वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप की मदद से आप छोटी से छोटी चीजों को देख सकते हैं। विच कैनॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, जो आप बिना माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते वो आपको माइक्रोस्कोप से भी दिखता है। बाई एनलार्जिंग देयर साइज, अ डच ऑप्टिशियन नेम्ड ज़ेकारियस जैनसेन इन्वेंटेड अ लाइट माइक्रोस्कोप इन 1590। हाउएवर अनदर डच साइंटिस्ट कॉल्ड एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के फादर किनको बोला जाता है? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। लेकिन पहला माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था ज़ेकारियस जैनसेन ने सन 1590 में। माइक्रोस्कोप की मदद से हम छोटी से छोटी चीजों को उनका साइज बड़ा करके देख सकते हैं। टुडे वी हैव मोर पावरफुल एंड सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप्स टू आइडेंटिफाई जर्म्स एंड टू परफॉर्म मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्निफाइज एन ऑब्जेक्ट मिलियंस ऑफ टाइम्स। न्यू एज मेडिकल इक्विपमेंट, अब हम पढ़ेंगे इसके अलावा नए समय के मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में। सबसे पहला है एक्सरे। हम सब जानते हैं जब भी हम कहीं गिर जाते हैं या अगर कहीं गलती से एक्सीडेंट हो जाए और हमारी किसी हड्डी में पेन होने लगे, सूजन आ जाए, तो हमें शक होता है कहीं हड्डी टूट तो नहीं गई है। तो ये शंका को दूर करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं कि आप जाके एक्सरे कराइए। जैसे अगर आपको अपने हाथ की हड्डी टूटी लग रही है तो डॉक्टर बोलेंगे अपने हाथ का एक्सरे कराइए, क्योंकि एक्सरे कराने पर एक्सरे रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि हमारी हड्डी टूटी है कि नहीं, हमें मेजर फ्रैक्चर है या माइनर फ्रैक्चर है। मेजर फ्रैक्चर यानी कि हड्डी ज़्यादा टूटना और माइनर फ्रैक्चर यानी कि बाल बराबर, ठीक है। विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन इन 1896 डिस्कवर्ड एक्सरेज। एक्सरेज आर यूज टू लोकेट फ्रैक्चर्स इन द बॉडी। अदर मशीन्स, बिसाइड्स एक्सरेज देयर आर अ फ्यू मोर सोफिस्टिकेटेड मशीन्स लाइक अल्ट्रासाउंड, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड कैट स्कैन, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफिक स्कैन। एक्सरेज के अलावा अल्ट्रासाउंड ज़्यादातर होता है पेट के लिए, अगर पेट में कोई समस्या है तो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उससे पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को स्टोन हो गया है, जैसे पथरी, ठीक है, या अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो तो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं, या फिर अगर आपके पेट में कोई दिक्कत है, आपके स्टमक में या स्टोन हुई है, ऐसा कुछ होता है तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चलता है। These machines helps the doctor to get a complete picture of the organs of the body. ECG, electrocardiogram machine is used to monitor the functions of the heart and EEG, electroencephalogram are used to monitor the brain. इसके अलावा ECG होता है हमारे हार्ट में जो जो फंक्शंस चल रहे हैं उसको पता लगाने के लिए कि हार्ट बीट कितनी है, सही रेटिंग चल रही है कि नहीं, स्पीड क्या है, और ब्रेन के लिए यूज होता है EEG. नेक्स्ट इज लेजर। लेजर इज द लेटेस्ट टेक्निक, इट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन विथ लीस्ट डैमेज टू द बॉडी। लेजर की मदद से क्या होता है कि जो सर्जरी परफॉर्म होती है या ऑपरेशन परफॉर्म होता है उससे बॉडी में लीस्ट डैमेज होता है, कट नहीं करना पड़ता, उसके बाद टांके नहीं लगवाने पड़ते, ठीक है।
नेक्स्ट इज मिरेकल्स ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी के मिरेकल्स। मिरेकल्स का क्या मतलब होता है? चमत्कार। सर्जरी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस और इंजरीज और डिफॉर्मिटीज बाय ऑपरेशन। द डॉक्टर हु परफॉर्म्स द ऑपरेशन इज कॉल्ड अ सर्जन। डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं उनको सर्जन बोला जाता है। एवरी डॉक्टर हैज सम ट्रेनिंग इन सर्जरी एंड इज क्वालिफाइड टू परफॉर्म सिंपल ऑपरेशंस, बट सर्जन्स आर स्पेशली ट्रेन्ड सो दैट दे हैव द जजमेंट एंड स्किल टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस। मॉडर्न टेक्निक्स एनेबल द सर्जन टू ऑपरेट सक्सेसफुल अपॉन ऑल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, अ सर्जन कैन रिमूव अ लॉन्ग सेक्शन ऑफ डिजीज इंटेस्टाइन एंड सीव द रिमेनिंग इंटेस्टिनल सेक्शन टुगेदर। द बॉडी विल फंक्शन नॉर्मली आफ्टर द ऑपरेशन। ये कह रहा है कि डॉक्टर्स जो बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। मॉडर्न मशीन्स हेल्प करती है उनका ऑपरेशन करने में। एक एग्जाम्पल दिया गया है, अगर किसी की इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर वहाँ का बड़ा पार्ट उसको ऑपरेशन करके निकाल सकता है, बाकी बचा हुआ पार्ट को अगर टांके लगा के जोड़ दे तो बॉडी नॉर्मल जैसी हो जाएगी। अ किडनी और इवन अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टमक कैन बी रिमूव्ड बाय एन ऑपरेशन। इसी तरीके से अगर किडनी या स्टमक में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो भी ऑपरेशन के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। वेरी मेजर ऑपरेशन ऑफ द ब्रेन आर नाउ अंडरटेकन। आजकल ब्रेन के भी ऑपरेशन होते हैं अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो। सर्जन ऑल्सो हैव बीन एबल टू ऑपरेट सक्सेसफुली ऑन द हार्ट। उसके अलावा हार्ट ऑपरेशन भी होते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। इन सर्च सर्जरी अ डॉक्टर में कट ओपन द हार्ट, मैंने अभी बताया ना ओपन हार्ट सर्जरी, रिप्लेस वन ऑफ द हार्ट वाल्व्स with an artificial one and then sew the heart back together. Sometimes an entire diseased lung is removed. Transplanting organs is a major operation. Surgeons take a healthy organ from one person and use it to replace a diseased organ in another person. Replacement of kidney is common. एक healthy इंसान से उसका सही organ लेके एक बीमार इंसान जिसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो या लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो उसको एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके के मेजर ऑपरेशंस भी अब परफॉर्म होने लगे हैं। आप सबको मैं बता दूं, हमारी ह्यूमन बॉडीज में सबकी दो किडनीज होती हैं और अगर एक किडनी निकाल भी दी जाए तो भी इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन लीवर एक ही होता है। लीवर के टिश्यूज एक्सचेंज हो सकते हैं लेकिन लीवर नहीं, ठीक है। Surgery has been known since ancient times. In India, there are books describing the surgical instruments used at that time and the techniques employed in surgery. The first surgeon's tool was probably a piece of flint stone. Next is antibiotics. Medicines that help to cure the infectious diseases are called antibiotics. डॉक्टर जब हमें फीवर होता है तो फीवर की मेडिसिन जो पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनाक होती है उसके साथ एक एंटीबायोटिक भी देते हैं ताकि हम जल्दी रिकवर हो सकें। सर्टन डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, कॉलरा एक्सेट्रा आर क्यूरेबल बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की मदद से जो जर्म्स हमारी बॉडी में होते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। The discovery of penicillin by Sir Alexander Fleming in 1928 was a milestone in the field of medicine as it prevents the growth of bacteria causing infection. Penicillin जिसको discover किया था Alexander Fleming ने, इसकी मदद से हमारी body में अगर bacteria हो रहे होते हैं जो infection cause करते हैं वो बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। Vaccination क्या होता है? किसी बीमारी के लिए सुई जब लगती है तो उसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। पैस्टराइजेशन क्या होता है? पैस्टराइजेशन ये होता है कि किसी चीज़ को बॉईल करके उसको साफ करने को पैस्टराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पानी गर्म करके अगर आप उसमें प्लास्टिक की कोई चीज़ें धोएंगे तो उसमें सारे जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं और वो सही हो जाता है, ठीक है। Many infectious were early spread through liquid food like milk. Louis Pasteur, a French scientist, discovered that germs can be destroyed by heating. Louis Pasteur ने ये discover किया था कि अगर किसी चीज़ में germs हैं तो हम उसको गर्म करके germs को मार सकते हैं।
He experimented by heating milk for half an hour. This process is called pasteurization. उन्होंने ये invention किया था दूध को गर्म करके, और इस process को हम बोलते हैं pasteurization. Use of chloroform and sterilization. Chloroform क्या होता है और sterilization क्या होता है? जब किसी patient का operation होता है तो उसको chloroform सुंघा दिया जाता है या injection दे दिया जाता है, जिससे जिस एरिया का ऑपरेशन हो रहा होता है वो एरिया सुन हो जाता है और उस पेशेंट को पता नहीं चलता है, ना उस समय पे दर्द होता है कि उसका ऑपरेशन हो रहा है. ऑपरेशन होने के बाद उस चीज का असर खत्म होता है, उस इंजेक्शन का कुछ घंटों तक असर रहता है, फिर दर्द का एहसास होता है कि हाँ ऑपरेशन हुआ है. बेसिक हेल्थ केयर. आप अपनी क्लीनलीनेस का ध्यान खुद रख सकते हैं, अपनी आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अपार्ट फ्रॉम ह्यूमनाइजेशन एंड अदर मेथड्स, बेसिक केयर ऑफ द हेल्थ शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डिजीजेस. देयर आर मेनी सिंपल एंड चीप वेज ऑफ फाइटिंग एंड प्रिवेंटिंग डिजीजेस. सम ऑफ देम आर केयर ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस, अपना खुद की सफाई का ध्यान रखना, रोज नहाना, नेल्स गंदे हैं तो नेल्स को साफ करना, गंदे हाथों से खाना ना खाना, हैंड्स को वॉश करना, ये बेसिक तरीके हैं साफ सुथरा रहने के. क्लीनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग्स, आसपास सफाई होना. न्यूट्रिटिव फूड्स, न्यूट्रिटिव फूड्स का मतलब जो खाना आप खाएं उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए. रेगुलर एक्सरसाइज, बेटर ड्रेनेज सिस्टम और क्लीन वाटर, ये सब फॉलो करने से आप हेल्दी लाइफ और लॉन्गर लाइफ जी सकते हैं, आप बीमार कम पढ़ेंगे. ठीक है, सो ये था इस चैप्टर के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन. नाउ लेट्स टू द एक्सरसाइजेस. चूज एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन. द मर्करी थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1714. स्टेथोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर रेने लेनियाक. इट मीन्स रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड पार्ट, सर्जरी. द फूड वी ईट शुड बी न्यूट्रिशियस. Name the following. He introduced the use of chloroform in surgery. James Simpson. He invented clinical thermometer. Daniel Gabriel Fahrenheit. He discovered penicillin. Alexander Fleming. He invented stethoscope. Dr. René Leniac. Filling the blanks. Dash measures the human body temperature. Clinical thermometer or just thermometer you can use. Anton von Leeuwenhoek is known as the father of microscopy. Dash are used to monitor the brain, EEG. Dr. Jenner developed preventive medicine for smallpox. Smallpox yani jo basically bola jaye jab sharir mein dane nikal aate hain bahut sare, itching hone lagti hai, usko hum smallpox kehte hain. We should take care of our own cleanliness. Right, true or false? Today we are no longer vulnerable to diseases. True. A stethoscope is useless for a doctor. False. X-rays are used to locate fractures in the body. True. The technique of killing germs is called vaccination. True. True, false. True, true. So that's it for chapter number 11. Is over today. Exercises, explanation and everything, question answers you will get in the homework. That's it for the today's class. Thank you very much.